Hello everyone, in this video we will talk about the next structure of plant, that is stem. Stem is characterized by the presence of nodes and internodes. It is characterized by presence of nodes and internodes. This is the characteristic feature of nodes. देखिए स्टेम और रूट के बीच में जो मेन जो डिफरेंस है, हम जो पहचानते हैं कि ये रूट है या स्टेम है, जब वो अंडरग्राउंड होती है तो स्टेम, तो वो उससे पहचाना जाता है कि अगर वहाँ पर नोड्स एंड इंटरनोड प्रेजेंट हैं तो ये कंफर्म है कि वो पार्ट जो है वो स्टेम है. It is mostly aerial and sometimes it may be subaerial and underground. Stem may be found under the ground sometimes. The underground part of the stem we will discuss in the modification of the stem. Firstly, we will discuss about the general stem which is found in the aerial. For example, this is the surface of the earth और ये जो stem है, इसमें ये जो partition जो आपको दिखता है, ये क्या है? Node. This is another node. और ये जो बीच का area है, इसे कहा जाता है internode. This is the characteristic feature of a stem, that it have nodes and internode. Distinct nodes and internode will be there in the stem. Now the aerial part of the stem is of two types. If the stem is strong, then it is called as trees. अगर किसी plant में जो stem है वो strong है तो उसे हम tree कहते हैं, और अगर प्लांट में वही वीकर स्टेम है तो हम उसको दो तरह के हो जाते हैं, वो क्रीपर और क्लाइंबर, दो तरह के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है. क्रीपर जो है वो ग्राउंड के साथ क्रीप करके ग्रो करते हैं, और क्लाइंबर जो है वो किसी सपोर्ट के सहारे जो है वो ग्रो करते हैं. लेकिन जिनकी स्टेम स्ट्रोंग होती है वो प्लांट क्या कहलाते हैं? ट्री कहलाते हैं. Now we will discuss about the type of tree on the basis of stem, aerial stem actually. कि aerial जो stem है वो कैसे present हो सकती है? First type of trees are called culum. Culum are the tree stem of the tree having nodes and internode are distinctly visible. Like this is the plant stem or ये node or this is internode. ये हो गया node. This type of stem we can see in case of example is sugar cane and bamboo also. हमें देखने को मिलता है शुगर केन की जो स्टेम है उसमें भी नोड्स एंड इंटरनोड्स हमें देखने को मिलती हैं, और बैम्बू में भी ऐसा ही होता है. नेक्स्ट इज कोडेक्स. कोडेक्स इज द स्टेम. द नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट विजिबल एट ऑल. फॉर एग्जाम्पल ये ट्री है और इसमें जो ये स्टेम है इसमें कोई नोड्स एंड इंटरनोड नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर टॉप पे क्राउन लाइक जो लीफ का जो अरेंजमेंट मिलती है. दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर कॉल्ड कोडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ स्टेम इज देयर. कि अगर यहाँ पर नोड्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, जो मेन जो स्टेम है वो पहले ग्रो कर जाती है, बीच में कोई भी लीफ नहीं मिलेगा, ना नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं. इस टाइप का जो ट्री होता है उसमें जो इस टाइप की जो स्टेम होती है उस ट्री को कहते हैं कोडेक्स. and the third one is excurrent. एक्सकरेंट टाइप ऑफ स्टेम इज लाइक कि यहाँ पर क्या होता है कि एक जो मेन एक्सेस है वो पहले ग्रो करती है, उसी से लेटरल जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं. लाइक यहाँ पर ये, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इस टाइप से. दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग is racemose. Racemose type of, sorry, acropetal. Acropetal type of branching किसे कहते हैं कि जब जो ब्रांचिंग है, नीचे वाली जो ब्रांचिंग है वो लार्जर मिलेगी और ऑल्डर मिलेगी, और उससे ऊपर वाली जो ब्रांचिंग होगी वो न्यूली फॉर्म्ड होगी और इससे स्मॉलर होगी. इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है ब्रांचिंग की उसे एक्रोपिटल ब्रांचिंग कहा जाता है. कि जो ऊपर की तरफ जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं तो ऊपर की जो ब्रांचिंग होगी वो न्यूली फॉर्म्ड होगी और जो नीचे वाली जो ब्रांचिंग होगी वो ओल्ड होगी और लार्जर भी होगी ऊपर वाली के कंपैरेटिवली. इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को कहा जाता है एक्सकरेंट. और देखिए इसके अराउंड अगर लीव्स आती हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. इसे देखिए, देखने में पता चल रहा है कि कॉनिकल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है. तो दीज टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन coniferous forest, or this type of plant are called conifers. And the fourth type of branching is decurrent. Decurrent type of branching जो होती है उसमें क्या होता है कि जो main जो stem है वो कुछ time बाद ऐसे divide होना start हो जाती है और फिर उसके बाद एक स्टेम तो जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच जो है एक बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाती है. कुछ में भी यहाँ तक पहुँची है, ये यहाँ इधर से इधर टर्मिनेट होगी. तो इस तरीके से ये जो ब्रांचिंग है इस तरह का कुछ अपीयरेंस देखने को मिलता है. तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड डीकरेंट. एग्जाम्पल इज पीपल, बनियान etc. So this is the classification of trees on the basis of branching of the stem. Now we will see the type of branching. Branching है वो भी दो तरह की होती है. First one is dichotomous. Another one is lateral. Dichotomous जो ब्रांचिंग होती है उसमें क्या होता है, जब भी बायफर्केशन होती है, जब भी डिवीज़न होती है तो जो एक स्टेम है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. लाइक पहली बार जो ये डिवीज़न हो रही है दो ब्रांच बन गई है. अब फर्दर इससे जो ब्रांचिंग होगी उससे भी कोई दो नई ब्रांचिंग बन जाएंगी. इस तरह की जो ब्रांचिंग है कि हर ब्रांचिंग पे दो ही पार्ट निकले, दो ही न्यू ब्रांच निकलती है, उसे डायकोटमस ब्रांचिंग कहा जाता है. और जो दूसरी तरह की होती है वो है लेटरल. लेटरल भी दो तरह की होती है, रेसिमोस एंड जाइमोस, साइमोस. रेसिमोस जो ब्रांचिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो मेन जो ब्रांच है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है और जाकर बहुत, मतलब ये जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस रहती है. जो मेन ब्रांचिंग है, लेटरल ब्रांचिंग जो है ये यहाँ से निकलती रहती है. लेकिन जो साइमोस जो ब्रांचिंग है उसमें क्या होता है कि जो मेन एक्सेस है वो कुछ टाइम की ग्रोथ के बाद टर्मिनेट हो जाती है. फॉर एग्जांपल ये मेन ब्रांच थे, ये इधर जाकर फ्लावर में कन्वर्ट होगी, टर्मिनेट होगी. ऐसे ही फिर नेक्स्ट ब्रांचिंग यहाँ से निकलेगी, ये इतना ग्रो करेगी, ये यहाँ आकर टर्मिनेट होगी. फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ निकलेगी, यहाँ से यहाँ निकलेगी. इस तरीके से क्या है कि जो मेन जो ब्रांचिंग है वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि जो एक ही जो सीधी मेन जो एक्सेस थी वो ग्रो कर रही है. यहाँ पे क्या है कि जो मेन एक्सेस है वो टर्मिनेट करती रहती है और यहाँ पर क्या होता है कि जो मेन एक्सेस है वो प्रॉपरली ग्रो करती है और साइड से लेटरल ब्रांचेस निकलती रहती है. यहाँ पर हमें देखने को लगता है कि ये एक ही है क्योंकि ये फ्यूज़ कर जाती है ब्रांचिंग. लेकिन ये एक्चुअल में एक एक्सिस नहीं है, बहुत सारी एक्सिस का फ्यूज़न है। तो इस टाइप ऑफ ब्रांचिंग को कहा जाता है साइमोस, और ये जो मेन एक्सिस जो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है उसे कहा जाता है रेसिमोस। दिस इज़ द ब्रांच ऑफ लेटरल ब्रांच, द टाइप ऑफ लेटरल ब्रांचिंग। कि ब्रांचिंग दो तरीके से है। फर्स्ट जो है डाइकोटमस, उसमें तो क्या है कि मेन स्टेम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होती रहती है। बात करते हैं लेटरल की। लेटरल दो तरह की होती है, रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस में क्या है कि जो मेन ब्रांच है वो मेन जो एक्सेस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करती है और लेटरल ब्रांचेस वहाँ से साइड से निकलती है। लेकिन जो साइमोस जो ब्रांचिंग है उसमें क्या होता है कि जो ये मेन जो एक्सेस है वो कुछ टाइम के ग्रोथ के बाद टर्मिनेट हो जाती है और उससे एक नई ब्रांच निकलती है, वो कुछ टाइम तक ग्रो करती है, वो फिर टर्मिनेट हो जाती है। ऐसे क्या है कि जो मेन एक्सेस है उसका पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में वो कौन सी है, लेकिन जो देखने को मिलता है कि ये एक ही एक्सेस लग रहा है। तो दिस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज कॉल्ड साइमोस। दैट्स ऑल अबाउट दिस। If you like the video, then please keep sharing and subscribing my channel.